दोस्तों, मैं हूं माहे सिंह और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज मैं खड़ी हूं अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में, जहां पर सरगुजा की धरती से सीधे देश की राजधानी दिल्ली ट्रेन सेवा का शुभारंभ आज 14/7/2022 को किया जा रहा है, जहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी का जनता के द्वारा आभार प्रकट किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं इस कार्यक्रम में। सरगुजा में रेल विस्तार की योजना अथवा रेल सुविधा की दिशा में 14 जुलाई का विशेष महत्व रहेगा। यह विशेष महत्व केवल इसलिए नहीं है कि अंबिकापुर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन की शुरुआत हुई, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक बहुप्रतीक्षित मांग थी जो कई दशक बाद पूरी हुई। हालांकि अभी भी अंबिकापुर से नई दिल्ली ट्रेन के नियमित चलने को लेकर संशय है, क्योंकि रेलवे द्वारा जारी आदेश में ट्रेन ऑन डिमांड अर्थात TOD बताया गया है। फिलहाल सप्ताह में एक दिन अंबिकापुर से निजामुद्दीन एवं निजामुद्दीन से अंबिकापुर चलने की घोषणा हुई है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 14 जुलाई को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से हुई। तो दोस्तों, दिल्ली अब दूर नहीं है। आप कभी भी, जब भी आपका मन करे, अंबिकापुर से सीधे दिल्ली तक का सफर कर सकते हैं। सरगुजा जिला, जो कि खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, जहां के खनिज संपदाओं का लगातार दोहन होता रहता है, इसके बावजूद रेल सेवा को लेकर रेल मंत्रालय अथवा भारत सरकार ने सरगुजा संभाग में रेलवे के विस्तार को लेकर काफी कम कार्य किया है। देश में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, केवल सर्वे, निरीक्षण एवं घोषणा तक ही बात पिछले कई दशक से लंबित थी। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ से माननीय मोदी जी के कर्मों से आज यहाँ अंबिकापुर से दिल्ली को जोड़ा गया और कई शहरों को जोड़ा गया है। हम देखते हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में और व्यापार के क्षेत्र में भी देखा जाए तो हमारे व्यापारी भाइयों को और भी अन्य भाइयों को सुविधाजनक होगा। ये बहुत बड़ी सौगात है सरगुजा जिले के लिए और हम क्या पूरे सरगुजा, पूरे संभाग के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज से जो ट्रेन चल रही है उसमें बहुत ही सुविधा होगा। हमारे अंबिकापुर में इतने सारे लोग हैं जो लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते थे, उन लोग को इतना खुशी हुई है कि पूछिए मत। गर्व महसूस है कि हमारे अंबिकापुर से सीधा दिल्ली जुड़ गए। हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे और बड़े बड़े शहरों से हम जुड़ पाएंगे। हालांकि इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि अंबिकापुर में रेल लाइन का विस्तार एवं अंबिकापुर को रेल की सुविधा भाजपा के कार्यकाल में ही मिली है। पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अंबिकापुर को रेल सेवा से जोड़ा गया और यहां के चिर परिचित सांसद लरंग साय का इसमें काफी योगदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज ये बहुत प्रतीक्षित ट्रेन की जो मांग थी वो सपना साकार हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने अपनी कृपा और सहयोग बरसाया और क्षेत्र की पुरानी मांग पूरी हुई। आज जनता बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है, पूरे क्षेत्र में उत्सव सा माहौल है। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और आपकी चैनल के माध्यम से मैं पूरे सरगुजा क्षेत्र की जनता को बधाई देती हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को बधाई देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। केंद्रीय मंत्री ने कुछ कहा? रेल मंत्री ने, आज आपने सुना, उन्होंने कहा कि झारखंड से कलकत्ता तक सीधे जोड़ दिया जाएगा और इस ट्रेन के संबंध में भी कहा कि ट्रेन साधारण ट्रेन नहीं है, ये राजधानी स्तर का ट्रेन है। आज जो कि बहुत बड़ी, बहुत खुशी का अवसर था, ऐतिहासिक अवसर था, इसमें केवल हम लोगों को हरी झंडी दिखाना था लेकिन आने वाले समय में हमारे और जो दो प्रोजेक्ट हैं उस पर हम काम करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंबिकापुर नई दिल्ली ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए आमजनों को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं मां महामाया जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज सावन का जो पहला दिन है, इस शुभ दिन में आपने जो दिल्ली ट्रेन चलाई उसके साथ ही साथ ऐसा कार्यक्रम हो कि आगे सरगुजा से झारखंड होते हुए कलकत्ता तक जो नई रेल लाइन्स को जो लंबे समय से परिकल्पना में है उसका काम भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का माता जी आशीर्वाद दें। आज अंबिकापुर से नई दिल्ली ट्रेन के शुरुआत पर भाजपा के पदाधिकारी एवं नेता नाचते झूमते देखे गए। वहीं कांग्रेस बीजेपी सहित अन्य दल व आमजन काफी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचे। आज अंबिकापुर से दिल्ली तक जाने वाली सीधी ट्रेन का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। AC-1 में 1 पैसेंजर, AC-2 क्लास 74 स्लीपर में 205 लोग आज अंबिकापुर से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। 19 डब्बों की यह ट्रेन अंबिकापुर स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। यह क्षण सरगुजा वासियों के लिए बेहद अहम खास रहा जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो। हम लोगों को आमंत्रण मिला था के लिए। सरगुजा से रेल चल रही है, उस आमंत्रण के सम्मान में हम लोग आए थे आज। लेकिन यहाँ जो अव्यवस्था है, जो भीड़ भाड़ स्वाभाविक चीज है, लेकिन आयोजकों का एक दायित्व होता है, एक संस्कृति होती है, एक संस्कार होते हैं कि जिसको आमंत्रित किया गया है उसकी बैठक व्यवस्था हो। और ये दुखद स्थिति निर्मित हुई है। और हमें तो छोड़िए, प्रेस के बैठने की व्यवस्था नहीं है, जो चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वो आयोजकों को इस बात को ध्यान देना चाहिए था कि उतने व्यक्तियों को आमंत्रित करना चाहिए था जितने की व्यवस्था है। भीड़ ज़्यादा है और हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है, पर व्यवस्था ऐसी है कि वो पहचान नहीं पा रहे हैं और हम लोग अंदर नहीं घुस पाए। लेकिन खुशी की बात है कि हम लोग इसके कार्यक्रम में हैं। हमारे मुखिया डीएस सिंह देव जी की तरफ से भी सरगुजा वासियों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी ट्रेन की पहल हुई, वर्षों से मांग थी। और भी कुछ मांगे हैं हम लोग लेके आए हैं कांग्रेस की तरफ से, और कोशिश करेंगे अगर मिलने का मौका मिला तो DRM सर को हम लोग देंगे। और अब भीड़ भाड़ के कारण हम लोगों को कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, पर उसका कोई मलाल नहीं है, खुशी की बात है। कोई इसका कोई मलाल नहीं है, लेकिन यह है कि व्यवस्था बेहतर होना चाहिए था। और जो व्यवस्थाएं लगाई गई हैं उनको एक देना था, लेकिन उसमें मुझे कोई मलाल नहीं है, पूरी टीम को कोई मलाल नहीं है, खुशी की बात है। शुभकामनाएं सरगुजा वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को इस ट्रेन का। लेकिन हम लोग खड़े रहेंगे और यहाँ पर हम लोग पूरे कार्यक्रम के अंत तक भागीदारी अपनी निभाएंगे। लंबे अरसे के बाद आज अंबिकापुर से दिल्ली के लिए ट्रेन प्रारंभ हो रही है और इससे पूरे क्षेत्रवासी बहुत ज्यादा खुश है। उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और हम सब लोग, क्योंकि थोड़ा सा विलंब से आए तो हम लोग इसमें शामिल है। इस खुशी के अवसर पर हम सब लोग भी पूरे सरगुजा वासियों के साथ शामिल हैं। पूरे क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आज अंबिकापुर से दिल्ली तक की सफर आसान हो गया। बड़े कार्यक्रमों में इस तरह की थोड़ा सी बातें होती है, क्योंकि थोड़ा सा विलम्ब से आए तो व्यवस्थित तरीके से इसमें शामिल नहीं हो पाए। लेकिन मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज हमारे यहाँ से ट्रेन चल रही है। अब प्रोटोकॉल का ध्यान तो खैर ये सब चीज़ों को नहीं रखा जाता है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सब लोगों को भी मंच में स्थान मिलना चाहिए। मैंने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि प्रेस के लिए एक उचित स्थान वहाँ पर तय करें। हमारे जो वरिष्ठ नेता है, अधिकारी कर्मचारी हैं, सबके लिए स्थान तय करें। देखिए उनकी जिम्मेदारी थी, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए जगह छोटी थी और सब इसमें इतने यात्री भी साथ, इतने यात्री यहाँ पर इकट्ठे हो गए और लोग उसी में बहुत सारे लोग आए। अब किसी को कुर्सी मिली, किसी को नहीं मिली। मैं उन लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ। ऐसे उत्सव के माहौल में खुशी के अवसर पर उन्हें खुश होना चाहिए। ये तो कांग्रेस की आदत ही है। कल मैंने भूपेश बघेल जी का एक ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि ये जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र के लोगों को ये AC ट्रेन चलाया गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि AC ट्रेन में क्या हमारे सरगुजा क्षेत्र के लोग नहीं बैठ सकते, क्या सफ़र नहीं कर सकते? ऐसी बात कांग्रेस के लोगों को नहीं करनी चाहिए, शामिल होना चाहिए।
जिस तरह से काका लरंग साय के संसदीय कार्यकाल में एक बोगी दिल्ली के लिए उनके नाम पर चलती थी और विश्रामपुर से चलकर अनूपपुर जाकर दिल्ली के बोगी में जुड़ जाती थी और यह अनवरत 20-21 साल तक चलती रही और उनके पहल पर रेल सेवा भी अंबिकापुर के लिए शुरू हुई। ठीक उसी तरह खेल साय सिंह के संसदीय कार्यकाल में अंबिकापुर को टिकट काउंटर का लाभ मिला और यह बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इसी तरह रेणुका सिंह के कार्यकाल में आज का यह दिन भी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यह रेल का टाइम टेबल है जहाँ पर अंबिकापुर से आप 9:30 बजे निकलकर आप दिल्ली 4:35 में पहुँच सकते हैं। तो यह सरगुजा वासियों के लिए बड़ी सौगात है कि वह अंबिकापुर से डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं। खबरी चौकी के लिए मैं माही सिंह, जितेंद्र बिंदु के साथ, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।